इतनी ज्यादा इंजरीज हो चुकी थी, इतनी ज्यादा चोटें आ चुकी होती हैं कि उसके आगे बहुत कम रह जाता है जो किया जा सकता है। 11 लोगों के की पुष्टि हो चुकी है कि हम उन्हें गंवा चुके हैं। एक से बढ़कर एक सैनिक हमारे सवार इस विमान में, इस हेलीकॉप्टर में, और उसमें ये खबर आ जाए कि 14 में से 11 लोग ऐसे हैं जिन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। आप जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल चाहे सेना अध्यक्ष हों, वायुसेना अध्यक्ष हों, नौसेना अध्यक्ष हों, उनकी पत्नियों की भूमिका बहुत बढ़ जाती है और ये सीडीएस, तो इनकी जो जनरल रावत की भूमिका अपने ट्रूप्स के लिए रहेगी, वही भूमिका उनकी पत्नी की उनकी उनके परिवारों के लिए हो जाती है। और एक परिवार के तौर पर ही भारतीय सेना एक परिवार के तौर पर ही अपनी परंपराओं का निर्वाह करती है, देश को भी अपना परिवार मानती है और सैनिकों, उनकी पत्नियों, उनके घरों को भी अपना परिवार माना जाता है। और इसीलिए जनरल रावत के साथ हमेशा आप मधुलिका रावत की, मिसेज मधुलिका रावत की भी तस्वीरें देख सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सेना और सैनिक वो तो लड़ते हैं युद्ध के मैदान में, उनके पीछे उनकी पत्नियां, परिवार को, कैंप को, परिवारों को एकजुट रखने में एक अलग जंग उनकी चल रही होती है। तो सेना में एक अलग हायरार्की पत्नियों की भी होती है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी हर संभव प्रयास किया जाता है। इसीलिए जैसे प्रेसिडेंट आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की होती है आर्मी चीफ की पत्नी, वैसे डिफेंस सर्विसेज के परिवारों की प्रेसिडेंट होती है, उनकी अध्यक्ष होती है सीडीएस की पत्नी। और मधुलिका रावत जी के बारे में यह लगातार कहा जाता रहा है कि वो बहुत दिलचस्पी लेती थी कि चाहे अफसरों के परिवार हो, जवानों के परिवार हो, न केवल पत्नियां बल्कि बच्चों को भी अगर कोई समस्या है, स्कॉलरशिप की समस्या, एडमिशन की समस्या, माता पिता की समस्या या परिवार में अगर कोई समस्या हो, तो ये बातें परिवार से बाहर ना निकले, घर के अंदर ही पांच आर्मी वाइफ्स मिलकर, आर्मी ऑफिसर्स की जो पत्नियां हैं वो मिलकर किसी भी समस्या का समाधान कर सके, ये निरंतर ये प्रयास किया जाता है। जनरल बिपिन रावत का जो दिल्ली स्थित आवास है, वहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय पहुँचे हैं। जाहिर है एक ऐसे समय पर बहुत ज़्यादा उस एकता की, उस सॉलिडारिटी की आवश्यकता हो जाती है। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हम जल्द उनसे संपर्क करेंगे। जनरल बिपिन रावत के घर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुँचे हैं। ये सारी मुलाकातों के बाद सदन को वो संबोधित करेंगे, सारी जानकारी, एक एक कोई ऐसा पहलू नहीं है जो रक्षा मंत्री चाह रहे हैं कि जिसे छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी प्रतीक्षा हो रही है आधिकारिक बयान के मिलने की। अभी तक जो आधिकारिक हमारे सामने जानकारी है वो केवल वायुसेना के हैंडल से हुआ एक ट्वीट है, जिसके जरिए बताया गया कि ये किस तरह का विमान था और इसमें कितने लोग सवार थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं जनरल बिपिन रावत के घर पर, जहां पर वो मुलाकात करेंगे, जो 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 उनके घर वाले वहां पर मौजूद हैं, चूंकि पत्नी तो उनके साथ ही थी, उस विमान में सवार थी। मौसमी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। चलिए, मौसमी से संपर्क हमारा नहीं है अभी, तस्वीरों में केवल वो नजर आ रही थी अभी, लेकिन बिपिन रावत के घर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। किसी भी समय बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह सदन को संबोधित करेंगे, जिसके जरिए देश के पास ये जानकारियां पहुंचेंगी। 14 लोग उस Mi-17 हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिनमें से 11 नहीं रहे, ये पुष्टि की जा चुकी है। फौरन सबको निकाल लिया गया था वहां पर। 4 ऐसे थे जिन्हें वहां से मृत अवस्था में ही निकाला गया था, उनके शरीरों को वहां से रिट्रीव किया गया था, लेकिन बाकी सबको ले जाया गया अस्पताल में। और वहां से कुछ देर पहले यह खबर आई कि 11 लोग नहीं रहे हैं। अब सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, तस्वीरें दुर्घटना स्थल की। और दूसरी तरफ जनरल बिपिन रावत जब अलग अलग मौकों पर, ये राजनाथ सिंह आपको घर के भीतर दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर उस हादसे के बाद के गम का अंदाजा लगाया जा सकता है गौरव, क्योंकि 11 लोगों को गंवा देना और अपने सर्वश्रेष्ठ को गंवाना, ये किसी भी तरीके से कोई छोटी क्षति होती नहीं है। यहाँ हम मिलिट्री पुलिस की भी मौजूदगी को देख रहे हैं, हम सुरक्षा कर्मियों की बाकी मौजूदगी को देख रहे हैं। गौरव, जनरल बिपिन रावत के घर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
उनकी बेटी इस समय घर पर है।